साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर है, मुंबई से खबर है, दिशा सालियान के मामले में बहुत बड़ा अपडेट है और वो ये है कि इस केस में जांच शुरू होने जा रही है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान केस की SIT जांच शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया और सबसे बड़ी बात, इस मामले में आदित्य ठाकरे को ही लपेटा जाना था। ये खुद डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिशा को जब मारा गया तो उस वक्त आदित्य ठाकरे कहाँ थे, यानी कि दिशा और आदित्य की लोकेशन एक होने की बात कही जा रही है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, पूरा अपडेट, पूरा मामला सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके इस पूरे मामले पर SIT जांच के आदेश पर आप क्या कहना है जरूर अपनी राय दें। पिछले करीब 3.5 साल से सुशांत के फैंस, सुशांत के चाहने वाले, दिशा सालियान को चाहने वाले, सुशांत और दिशा को खत्म करने के बाद बेहद परेशान रहने वाले लोग मांग कर रहे थे कि मामले की पूरी जांच हो, अच्छी जांच हो, दोषियों को सजा भी मिले, निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि पहले 8 जून 2020 को दिशा सालियान को ठिकाने लगाया गया तो फिर उसके बाद 14 जून 2020 को ही सुशांत सिंह राजपूत को भी खत्म कर दिया गया। लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है, दिशा मामले की जांच होने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इससे भी बड़ी खबर ये है कि आदित्य ठाकरे को ही इसमें लपेटा जा रहा है। ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, पुलिस स्टेशन आना होगा, जरूरत पड़ी तो हिरासत में लेकर भी पूछताछ हो सकती है, हवालात तक में डाला जा सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने दिशा मामले में SIT जांच करवाने का ऐलान तो पहले किया था, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये है कि ये जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए अधिकारी तक तय जा रहा है, एक DIG लेवल के अधिकारी को SIT की जांच सौंपी जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। इस मामले में न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उनके कुछ और करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है, उन्हें भी थाने बुलाया जा सकता है और उन्हें भी जरूरत पड़ी तो हवालात में भी डाला जा सकता है। अब सुशांत मामले की जाँच तो CBI कर रही है, लिहाजा फिलहाल सुशांत मामले की जाँच SIT नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर दिशा मामले में कुछ गलत मिलता है और सुशांत मामले से भी इसका लिंक होता है तो दोनों ही मामलों की जांच एक साथ होगी और दोनों ही मामलों में दोषियों की गर्दन तक पहुंचा जा सकेगा। BJP के कई विधायकों के साथ ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे लगातार आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि दिशा सालियान की जब मौत हुई थी तो तब आदित्य ठाकरे की लोकेशन उसके आसपास ही थी और ये आरोप लंबे समय से लगाते रहे। और यही नहीं, नारायण राणे ने तो इसके लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई बार की थी, और जब आदित्य ठाकरे का नाम लिया तो उसके बाद राणे की तरफ से तो दावा ये भी किया गया कि उद्धव ठाकरे ने राणे से कहा कि आपके भी बच्चे हैं और इसीलिए इस मामले को रहने दो। लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा था और अब फाइनली पूरा का पूरा सच सामने आएगा, तस्वीर सामने आएगी, SIT की जांच शुरू होने जा रही है, DIG लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे और बहुत जल्द ये जांच रिपोर्ट हम सबके सामने होगी। हालांकि दिशा के माता पिता ने नारायण राणे के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया था और इस मामले में राणे को पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा था, मगर अब महाराष्ट्र की सरकार ही SIT जांच शुरू करने जा रही है, जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपडेट है। अब देखना होगा कि SIT का पहला एक्शन क्या होता है, आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।